देखिए, हाफ सेंचुरी महागठबंधन की बन गई है। आरजेडी प्लस 50 पर रुझानों में महागठबंधन की हाफ सेंचुरी, जबकि एनडीए आधे से भी कम 23 पर। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, कुछ देर का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन शुरुआती रुझानों में आरजेडी का ये शानदार प्रदर्शन है। यहाँ पर इस रेस ट्रैक पर देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव दौड़ते हुए आते हैं और अपने 50 इन रुझानों के हिसाब से सबसे आगे खड़े हुए हैं, और नीतीश कुमार उनके पीछे अपने 23 विधायकों के साथ इन रुझानों के साथ पीछे रेस ट्रैक पर नजर आते हैं। इनमें से अगर जल्दी से आपको बता दें, इस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। अररिया से कांग्रेस आगे चल रही है, औरंगाबाद से बीजेपी आगे चल रही है, अमौर से कांग्रेस पार्टी, लखीसराय से कांग्रेस पार्टी, बथनाहा से कांग्रेस पार्टी आगे चली है। दूसरी तरफ बाजपट्टी से आरजेडी आगे, मोतिहारी जहां पर सत्याग्रह किया था 1917 में जाकर महात्मा गांधी ने, मोतिहारी वो जगह पूर्वी चंपारण में, आरजेडी आगे चल रही है। हरनौत में जेडीयू आगे चल रही है, जमालपुर से कांग्रेस, बेनीपट्टी से बीजेपी। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन फिलहाल देखिए हाफ सेंचुरी महागठबंधन की लग गई है। और क्या इसी तरह का ट्रेंड अगर चलता रहा तो यकीनन कम से कम जो एग्जिट पोल आज तक ने दिखाया था, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, एक बार फिर से आपको बताएं, शुरुआती रुझानों के हिसाब से फाइनल आंकड़ों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन रुझान भी अपने आप में ये बयां करते हैं कि अगर शुरुआत आगाज इस तरह का है तो अंजाम भी इस तरह का हो सकता था। नीतीश कुमार, 69 साल के नीतीश कुमार की ये मायूस तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरह से चेहरा अंत भला तो सब भला इसका जिक्र करते हुए आपको जोड़ना चाह रहे हैं प्रभु चावड़ा जी। अंत भला तो सब भला भी ऐसा लग रहा है कि शुरुआती रुझान में ही सही, लेकिन काम नहीं आया। अंत भला तो बहुत बात ठीक है आपकी, मैं एक बार 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 स्टैंड को देखता जा रहा हूँ कि कंपटीशन में नंबर टू पार्टी कौन होगी, बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी या जेडीयू होगी। जिस तरह से कांग्रेस का परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, पिछली बार 29 सीटें थी, अगर यहाँ जेडीयू अगर 30 से कम रह जाती है और कांग्रेस पार्टी 30 से 32 या 35 हो जाती है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा रिवाइवल है ये, क्योंकि रीजनल पार्टी का नीतीश कुमार के नेतृत्व में रीजनल पार्टी का डूब जाना, नीचे जो चरण दिखा रहे हैं, अगर आगे रिजल्ट क्या होता है उसकी बात है, इसमें बड़ा मैसेज यही आ रहा है कि रीजनल पार्टी जो जेडीयू टुकड़ों में बट बढ़ करके आगे आई थी और एक व्यक्ति की पार्टी बन करके रहेगी, नीतीश कुमार जी ने किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया, उसके बाद कांग्रेस का रिवाइवल जो है इसके अंदर बड़ी पार्टी बन करके आना, अगर 23 सीटें दूसरी तरफ आ रही हैं उसमें बीजेपी के कितनी सीटें आती है वो भी देखने वाली बात है। इस बार बीजेपी, कांग्रेस और जेडीयू, इन तीनों में क्या होता है ये देखने वाली बात है। आरजेडी की सीटें तो आएंगी, ये सबको पता है। कुछ सीटों का भी रुख कर लेते हैं, जरा जमुई की तश्मीर हम दिखा दें, अगर जमुई के हमारे पास चेयर भी हो, श्रेयसी सिंह गोल्ड मेडलिस्ट है शूटर, और वो फिलहाल जमुई से आगे चल रही है, यानी बीजेपी के टिकट पर इस बार वो चुनावी मैदान में उतरी थी। बीजेपी की परफॉर्मेंस यहीं से आगे अगर हम खींचकर पूरे ग्राफ को ले जाएं तो एनडीए में बीजेपी की परफॉर्मेंस अभी तक 14 पर है लगभग। देखिए जब आप देखते हैं तो इधर बीजेपी और उधर कांग्रेस 16, बीजेपी से भी आगे कांग्रेस निकल रही है। ये आप देखिए स्टेट लेवल पर कितना बड़ा संकेत, शुरुआती रुझान है ये, बार बार कहते हुए हम आपको बताएं शुरुआती रुझान के हिसाब से ही हम एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 14 से आगे 16 कांग्रेस का निकल जाना एक बड़ा संकेत जरूर देखा जा सकता है, माना जा सकता है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 52 सीटों पर आरजेडी और सहयोगी इस समय आगे चल रहे हैं 25 सीटों की बढ़त के साथ पिछली बार के मुकाबले, और एनडीए इस समय 25 सीटों के नुकसान के साथ 24 सीटों पर इस समय बढ़त दिखा रहा है। 79 सीट कुल मिलाकर ऐसी जिनका रुझान हम आपके सामने इस समय रख रहे हैं, और महागठबंधन हाफ सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। इस समय के रुझानों के मुताबिक आरजेडी प्लस 53 सीटों पर है, जिसमें आरजेडी को बड़ी बढ़त है, जेडीयू 9 सीट पर, बीजेपी 14 सीट पर, हम 1 सीट पर, आरजेडी 34 पर और कांग्रेस 16 सीटों पर, और साथ ही साथ लेफ्ट जो है वो 4 सीट पर। जब बदलाव की लहर होती है तो फिर सबका भला हो जाता है। प्रभु जी आप इनमें कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, आप सबसे मुस्लिम प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर ओवैसी साहब भी लड़ा रहे थे अपने कैंडिडेट्स को, तो एक इंडिकेशन आ रहा है कि मुस्लिम, अगर ये चलता है ट्रेंड, अगर इलेक्टोरल जो है परिवर्तन हो जाता है इलेक्टोरल ट्रेंड में, तो मुस्लिम का भी परिवर्तन हुआ है कि वो भी कांग्रेस की तरफ भी जाते दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस बार स्टोरी इसके एग्जिट पोल के अंदर यही आने वाली है कि बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, क्योंकि आरजेडी तो जीतेगी ये सबको पता था कि प्रभाव से लग रहा था, परंतु इन तीनों पार्टियों में से नंबर वन पार्टी यानी कि आरजेडी के बाद नंबर टू पार्टी कौन सी होगी ये एग्जिट पोल के बाद पता लगेगा फाइनल रिजल्ट आने के अंदर। बिहार की कहानी उसके अंदर है।